और अब एक बेहद हैरान कर देने वाली वारदात की खबर। 24 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है, लेकिन अभी तक उन बदमाशों का पता नहीं चल पाया है जिन्होंने शनिवार की रात यमुना एक्सप्रेसवे पर कहर बरपाया। बदमाशों ने बस को तो लूटा ही और यात्रियों को गोली भी मारी, लेकिन उससे पहले वो एक और वारदात कर चुके थे। जी हाँ, बदमाशों ने बस लूटने से पहले हिमाचल के एक पूर्व डीआईजी के फार्म हाउस पर लूटपाट की। न सिर्फ लूटपाट की बल्कि वहां मौजूद चौकीदारों के परिवार वालों को घंटों तक बंधक बनाए रखा। आरोप तो यहां तक है कि उन्होंने एक नाबालिग समेत परिवार की दो महिलाओं के साथ गैंगरेप भी किया। हालांकि ये अभी पूरी तरह साफ नहीं हो पाया है कि क्या गैंगरेप हुआ था या नहीं, लेकिन लुटेरों ने परिवार को बुरी तरीके से टॉर्चर किया था, ये साफ है। फार्म हाउस में लूटपाट और गैंगरेप की वारदात को अंजाम देने के बाद भी बदमाश नहीं रुके और इसके बाद उन्होंने एक्सप्रेस वे पर बस में लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। हैरान कर देने वाली बात यह है कि घटना के 24 घंटे बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। यूपी में अपराधी बेलगाम, कब तक? कहां हैं यमुना एक्सप्रेस वे के क्रिमिनल? बस में लूटपाट, दो यात्रियों को गोली मारी, लेकिन 24 घंटे बाद भी बदमाशों का कोई सुराग नहीं। यमुना एक्सप्रेस वे पर बस में लूटपाट की घटना को 24 घंटे से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन चलती बस में कहर बरपाने वाले बदमाशों का अब तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। शनिवार की रात यमुना एक्सप्रेस वे पर कुछ अपराधियों ने एक बस में घुसकर लूटपाट की और दो यात्रियों को गोली मार दी। बस में बैठे इन यात्रियों ने लूट का विरोध किया था तो बदमाशों ने उन्हें गोली मार दी। लूटपाट करने के इरादे से आए बदमाश हथियारों से लैस थे और उनके इरादे बेहद खतरनाक थे। बस जो है यमुना एक्सप्रेस वे से लखनऊ की ओर जा रही थी, पंचर हो गया, उसमें कुछ लोग जो हथियारबंद बदमाश आए हैं उनके द्वारा बस में जो है लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया और कुछ फायरिंग वगैरह की, जिसमें कुछ लोग गोली लगी है। इसमें अलीगढ़ पुलिस के सहयोग के लिए है, यहाँ मथुरा पुलिस आई हुई है, हम लोग मिलकर सहयोग से घटना खोलने की प्रयास कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक लूट का शिकार हुई बस दिल्ली से लखनऊ जा रही थी। रात करीब 2 बजे बस का टायर पंचर हो गया। बस का चालक और कंडक्टर जब टायर बदलने के लिए नीचे उतरे, उसी वक्त बदमाश मौके पर पहुंच गए। हथियारों से लैस बदमाश बस के अंदर घुस गए और यात्रियों से लूटपाट की। करीब 2 घंटे तक एक्सप्रेसवे पर इन बदमाशों के खौफ का खुला खेल चलता रहा और बेबस यात्री लूटते रहे। वारदात को अंजाम देकर बदमाश फरार हो गए। यमुना एक्सप्रेस वे पर पहले भी कई बार लूटपाट की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। पिछले साल अगस्त में भी ऐसा ही एक वाकया हुआ था। पुलिस ने उस समय 2 अपराधियों को गिरफ्तार भी किया था, लेकिन इसके बाद भी एक्सप्रेस वे की सुरक्षा को लेकर पर्याप्त कदम नहीं उठाए गए। सवाल ये है कि आखिर कब यूपी के हाईवे आम लोगों के लिए सुरक्षित हो सकेंगे। विपेंद्र सिंह और विवेक पाठक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया 24/7। और इस वक्त एक्सप्रेस वे से हमारे संवाददाता सर्वेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर्वेश, बुलंदशहर की हाईवे पर घटना सामने आई, इससे पहले भी कई तरीके की घटनाएं हो चुकी हैं हाईवेज पर, लग रहा था कि पुलिस चौकन्नी होगी, अलर्ट होगी, लेकिन इस घटना ने एक बार फिर सवाल पुलिस पर खड़े कर दिए। देखिए दिव्या, पुलिस का फेलियर होना ही इस तरह की घटनाओं को बढ़ाता है। मैं आपको बताऊं कि हर महीने की अगर बात करें तो गेट से जो आगरा के लिए एक्सप्रेस वे जाता है उस पर यह लूट ली जाती है। ये हर महीने की वारदात होती है। अपराधी इतने आस पास की दबंगई होती है, निकलकर सामने आया है मामले में फेल है। उस रात ये पूरा जो एक तरह के डकैत कहेंगे उनको, क्योंकि हम लुटेरे नहीं कहेंगे, क्योंकि वो बंधक बना के जो करते हैं पड़ती है टप्पल और मथुरा का बॉर्डर। यानी चलिए सर्वेश, आपकी आवाज सही तरीके से नहीं आ पा रही है, लगता है कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, आगे आपसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि 24 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, लेकिन अभी तक पुलिस बदमाशों को नहीं पकड़ पाई है। ऐसे में सवाल एक बार फिर
सुरक्षा को लेकर खड़े हो गए हैं, क्योंकि इससे पहले भी हाईवेज पर इस तरीके की घटनाएं सामने आती रही हैं। बुलंदशहर की घटना हो, चाहे इससे पहले 2016 में कितने भी मामले सामने आए हों, लेकिन हर बार सुरक्षा को लेकर ही सवाल खड़ा होता है।